आज सवेरे तकरीबन 11:35 के आसपास हमें हमारे हेडक्वार्टर से और उसके बाद कुछ मिनटों बाद एडी फिशरीज वलसाड़ से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वलसाड़ के तट के समीप एक फिशिंग बोट है जिसमें पानी भर रहा है। बोट का नाम है तुलसी देवी। ये गुजरात के ही एक हार्बर से कल रात को निकली थी। ये बोट मुंबई में रजिस्टर्ड है और कल सेल करने के बाद इसमें इंजन फेलियर हो गया। बोट में जब भी इंजन फेलियर होता है तो उसके साथ उसका टोटल पावर फेलियर भी हो जाता है और इसका मतलब ये होता है कि बोट ना चल सकती है और बोट के अंदर आने वाला पानी उसको वो पंप आउट भी नहीं कर सकती है। इस वजह से बोट में पानी भरने लगता है और जब बोट में पानी ज़्यादा भर जाता है तो जो उसमें कार्मिक दल होता है उसकी जान को खतरा हो सकता है। इन्हीं हालातों के बीच आज हमें इत्तला मिली कि वहाँ पे कुछ मछुआरे फंसे हुए हैं एक बोट में और उन्हें वहाँ से निकालना है। उस वक्त मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब था, तेज़ बारिश हो रही थी, हवा की गति तीव्र थी और समुद्र में लहरें ऊंची उठ रही थी। इन्हीं हालातों में डीआईजी एयर साहब डीआईजी अमित कोरगांवकर की अगुवाई में और स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर कमांडेंट दुर्गेश तिवारी की नेतृत्व में चेतक 802 को लॉन्च किया गया और कुल 4 सॉर्टीज में 11 लोगों को बचाया गया है। हमारे एयरक्रूमैन डाइवर ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसी मुश्किल हालातों में एक एक करके खुद पानी में उतर के 11 मछुआरों को एक के बाद एक बचाया, उन्हें विंचअप करवाया और उन्हें सकुशल यहाँ लाया जा चुका है। 11 मछुआरे बिल्कुल सही अच्छी कंडीशन में है, उनका मेडिकल हो चुका है, उनको रिफ्रेशमेंट्स दिए जा चुके हैं और कुछ देर बाद हम उन्हें फिशरीज डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर देंगे। जय हिंद।